क्या हुआ? पंचर है। क्या बात कर रहे हो? कौन सा, आगे वाला पीछे वाला? और उसके वजह से ये बेंड होते होते यहाँ से टूट गया ये वाले पॉइंट से, और टूट के ऐसा नीचे आ गया। वही दिखेटा रॉक सॉलिड ना एकदम। हेलो नमस्ते सलोम सत श्री अकाल आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवन राज। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आपको ये सब बिखरा हुआ सामान, बैग वैग सब देख के समझ गया रहेगा, अंदाजा आ जाना चाहिए। अभी बज रहे देखो 1:40, तो हम लोग 4-5 तक आज हमारा राइड स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा चेंज ऑफ प्लान्स है, देखो अभी 6 रहा है, प्लान था 4-5 निकलने का, और उस बीच मुझे आपके बाइक के ऊपर जो मेरे अपग्रेडेशन किए वो सब बताना था, लेकिन एक बीच में एक इमरजेंसी हो गया जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं कर पाया, बाइक भी लेते लेते बहुत डिले हो गया, तो वो वाला पार्ट मैं बाद में कर दूंगा पूरा मॉड ये ट्रिप के बाद। अभी लेट हो रहा है तो फटाफट ट्रिप के लिए निकलता हूँ। दादा रेडी है, हम लोगों ने बैग वैग सब सेट कर लिया है, बाद में गाड़ी में बात करता हूँ। हियर इज दादा, हियर इज मी। अभी हम लोग निकल रहे हैं औरंगाबाद के लिए, हमारा राइड हो रहा है एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ नाउ। दादा थोड़ा घाई हो गया, आगे चल के बात करेंगे। अभी बेसिकली सीन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि हम लोग पहले गैराज में जा रहे हैं, एक शॉप है जहाँ पे मैं बोल रहा था कि अब मैं अपना गाड़ी अपग्रेड कर रहा हूँ, वहाँ पे दूसरा हिमालयन हमने रखा है। क्या हुआ? पंचर है। क्या बात कर रहे हो? कौन सा, आगे वाला पीछे वाला? हाँ पीछे वाला। थैंक यू। তো যা পে বাইক হম লোক কলেক্ট করতে যা রে দূসরা বালা ওই পে পঙ্কচার বালা ভি সাথে করেনে আর এক সাথে স্টার্ট করলে ও যে শপ হ্যাঁ সুজাতা মানে থোড়ি দের মে আপকো দিখাতা হুম। वो शॉप में हमारा बाइक का काम हो रहा है, जो दूसरा बाइक है उसमें फॉगलाइट बिठा रहा हूँ, और जस्ट उसी के बाजू में पंक्चर वाला है। मेरे टायर पे एक कार का छोटा सा टुकड़ा घुस गया और पंक्चर हो गया, और वो पंक्चर इतना तगड़ा है, लास्ट टाइम मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था मेरा डबल ट्यूब वाला कवरिंग है, ये वाला ट्यूब जो मेरा पिछला ट्यूब था ये उसके ऊपर एक कवर जैसा चढ़ा था, उसने वो टायर को पेनिट्रेट किया, इस ट्यूब को पेनिट्रेट किया और जाके इसको पंक्चर किया, मतलब हाँ उस काफ़ी बड़ा चौड़ा ही था। मैं थोड़ी देर बाद वो जब भैया निकालेंगे तो मैं दिखाता हूँ क्या साइज़ है उसका, समझेगा आपको। माफ करता हूँ। और एक रहेगा ना, ये वो कील है जिसने हमारे एडवेंचर को और बढ़ाया। ये वाला इतना नुकीला है ना, इतना नुकीला है कि वो जब भी निकाल रहे थे तभी उनके हाथ में भी थोड़ा चुभ गया। जिस शॉप में मेरे बाइक के सारे फिलहाल के अपग्रेड्स हो रहे हैं वो इसी शॉप से हो रहा है। ये मेरे घर से थोड़ा नज़दीक हो जाता है तो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, और इनके पास बेसिकली सब कुछ मिल जाता है। मैंने जो नाइट आई इंस्टॉल किया मेरे बाइक में वो यहीं से किया है, एंड इट वर्क्स टू गुड। तो ये जो शॉप है वो रोशन भाई ओन करते हैं, एंड दिस इज हिज शॉप। भाई आप अगर अपने शॉप के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो डेफिनेटली द कैमरा इज़ योर्स। इनका इंस्टाग्राम का पेज और इनका जो लोकेशन है मैं सब डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, डेफिनेटली आप चेकआउट करना। और यहाँ पे आने के बाद जो हमारे गाड़ी को पर्सनली संभालते हैं वो रोहित भाई है। रोहित भाई गाड़ी में कुछ भी होता है सब देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। मेरा और दादा और रोहित भाई का तो जुगलबंदी वो तगड़ा है, वो तगड़ा है। द बेस्ट पार्ट इज कि वो कोई भी पार्ट और कोई भी वायर काटेंगे नहीं, अगर तुम्हें कोई ट्रेडिशनल लगाना है इट्स सिंपली प्लग एंड प्ले, तो तुम्हारा वारंटी गाड़ी का इंटैक्ट रहता है, नथिंग टू हार्म। टायर पंक्चर ऑलमोस्ट हो ही गया है, ये भी काम ऑलमोस्ट हो गया है, एंड बस अभी हम लोग निकलेंगे, स्टार्ट के टाइम वापस मिलता हूँ, बाय। जस्ट द थिंग इज ये जो दूसरा बाइक है आप लोगों को तो पता ही है, महाबलेश्वर के ट्रिप पे आपको पता चल गया रहेगा कि ये राजन सर का बाइक है। सो अगेन डिस्क्लेमर, थैंक यू सो मच राजन सर फॉर द बाइक। अगर वो बाइक नहीं होता तो ऑब्वियसली हम दोनों भाई साथ में ट्रैवल नहीं कर पाते अलग अलग बाइक पे, मुझे कुछ और नया सीखने मिलेगा अभी वापस, रात का टाइम हम लोग राइड करेंगे। द बेस्ट पार्ट इज जो मैं फॉग लैम्प मैंने ख़रीदा है मेरे बाइक में वो छोटा वाला फॉग लैम्प है सुपर 40 का। द प्रॉब्लम इज़ कि वो वाला फॉग लैम्प फिलहाल वर्किंग है और मैंने नाइट आई अभी लगाया, तो मुझे और एक फॉग लैम्प का अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर का जो बाइक है उनका जो फॉग लैम्प है ना वो ख़राब हो गया था। सो मैंने क्या डिसीजन लिया कि जो फॉग लैम्प हम लोग लेने वाले वो फिलहाल के लिए सर के बाइक पर लगा देंगे, पूरा ट्रिप ख़त्म करेंगे
और जब ट्रिप खत्म करके वापस आएंगे वो फॉग लैंप निकाल के इस पे इंस्टॉल करूंगा, मेरे वाले बाइक पे इंस्टॉल करूंगा और फिर सर का बाइक मैं हैंड ओवर कर दूंगा सर को। सो दिस इज द प्लान दिस इज द प्लान राइट नाउ। तो देखते हैं अभी कैसा वर्कआउट होता है। फिलहाल के लिए वो तो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो ही गया, ये वाला भी हो ही जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी 9:15 हो रहे हैं, फाइनली हमारा सब काम डन हो गया है, पंक्चर बन गया है, फॉग लाइट बैठ गया है। अब ये जो फॉग लाइट है ये मोटो वजरा का है, फॉग लैम्प है जिसमें वाइट लैम्प और येलो लैम्प दोनों है। ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज़ डन, सब बहुत सही सॉर्टेड हो गया। रोहित भाई ने बहुत बहुत मेहनत करना पड़ा इनको, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन थिंग्स आर गुड एवरीथिंग इज़ गुड। पहले निकलते 9:15 पहुँच निकल रहे, पहुँचते पहुँचते थोड़ा अभी रात हो जाएगा, मिड टाइम। हमारा निकलने का प्लान 4-5 के बीच का था और निकलते निकलते एक्चुअली हो रहे अभी 9:20। हम लोग लगभग शाहपुर पहुंच चुके हैं, 50-60 चला के हो गया है। और ये वाले हिमालयन में जो अभी हम लोग ने फॉग लाइट लगाया, कुछ ऐसा स्टोरी है कि ये वाला जो बेस था ये पूरा ऐसा फ्लैट था और इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो वेट की वजह से ना वो धीरे धीरे पूरा ऐसा बेंड हो गया और उसके वजह से ये बेंड होते होते यहाँ से टूट गया ये वाले पॉइंट से और टूट के ऐसा नीचे आ गया। तो अभी दादा क्या लगता है क्या करना चाहिए, निकाल देना पड़ेगा ना? तो बेसिकली सीन ये है कि मैंने फॉग लैम्प दोनों निकाल के मेरे बैग में रख लिया है और हम लोग अभी आगे चल के कोई ढाबा ढूंढेंगे और ढाबा ढूंढने के बाद मेरे यहाँ से क्लैम्प निकाल के वो वाले बाइक पे लगाएंगे। मेरा जो क्लैम्प है काफ़ी स्टिफ है तो वो वाला क्लैम्प उस बाइक पे लग जाएगा। और मेरा नाइट है अभी, वाइट लैम्प हो गया है और मेरे को काफ़ी अच्छा लाइट दे रहा है मुझे। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हैलोजन का मेरे फॉग लाइट का ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है, तो मैं अपना फॉग लाइट निकाल लूँगा। थोड़े दूर आते ही एक ढाबा मिला, ढाबे पे अभी हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग ने ये एक सोल्यूशन देखा, यहाँ पे भी हम लोग ने बहुत जगह ढूंढा, यहाँ देखा यहाँ भी ट्राई किया, नहीं हो रहा है। द प्रॉब्लम इज़ हमारे पास सोल्यूशन बहुत है बट ये वाला नट, हाँ कुछ निकल गया क्या आपका ये? हाँ निकल गया, नहीं दूसरा एक जुगाड़ निकला दादा, हो सकता है इसमें से हो जाए। ये वाला जो साइज़ का एलन की है हमारा, ये साइज़ का एलन की है नहीं, इससे छोटा है या तो इससे बड़ा है, लेकिन ये एग्जैक्ट साइज मिल नहीं रहा। हाँ दादा की चाहिए दादा? नहीं ये है फॉग लाइट है, फॉग लाइट सही सलामत है। वही जो पार्क का जो था नहीं, अभी आप कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो कि मुंबई जा रहे हो? नहीं नासिक, नासिक जा रहे हैं, नासिक जा रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? मुंबई से। कहाँ से मुंबई? अपना गुड़बंदर रोड थाने जा रहे हो? हाँ नाइट राइड करना है क्या? हाँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिनसे बात कर रहा था वो यही भैया है। भैया आपका नाम? श्याम सुंदर। तो इन्होंने उधर मुझे बोला कि मेरा यहाँ पे वर्कशॉप है, आप आ जाओ अपना प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। तो वो एलन की जस्ट वही लेके आए, खोल दिए और अभी हम लोग वहाँ पे बिठा रहे। थैंक यू सो मच दादा। हाँ बैठ, एक जो नहीं डूब चुके ना जी, बुझते जी वाटरप्रूफ है लाइक? हाँ भाई हाँ वाटरप्रूफ घुस गया ना। हाँ वो पीछे ये होगा वो लगा दे। ठीक है और थोड़ा नीचे जाएगा, इसका एक घंटे के शुरू होते ही तो बस बहुत सही बैठा दादा, बहुत सही बैठा। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच सच में। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। चलो काका चलते। थैंक यू काका। हाँ तो दादा दादा एलन के लिए भी, एलन के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। It was a beautiful experience. It was beautiful experience. Like, रात के डॉट 12 बज रहे, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं, एट परफेक्ट 12। मुझे अभी दिखाने नहीं होएगा बिकॉज मेरा एनालॉग वॉच है।
ये यहाँ पे जो वॉच है वो भी काम नहीं कर रहा है, तो मेरा मोबाइल मैं स्विच ऑन उसी वजह से कर रहा हूँ कि आपको मैं टाइम दिखा पाऊँ। एग्जैक्ट बारह एंड एट दिस टाइम ये देखो 23:56 12 बजने को 4 मिनट। और बोलते ना फरिश्ता बन के एक इंसान आया हमारी मदद करने रहा चलते। जब आप लोगों का प्रेयर हमारे साथ है तो दिक्कत कैसे। बाय बाय बाय। दो बजकर 10 मिनट हो चुका है और हम लोग नासिक सिटी क्रॉस करके अभी टूवर्ड्स औरंगाबाद है। औरंगाबाद इज स्टिल 170 किलोमीटर्स। जस्ट अ मोमेंट। औरंगाबाद इज स्टिल 170 किलोमीटर्स एंड दिस रोड गोज टूवर्ड्स मालेगांव। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग राइड हो रहा है। जैसे इगतपुरी क्रॉस किए तब भी से एक बहुत स्वीट सा ठंड लगना शुरू हुआ और जैसे हम लोग नासिक तक पहुँचे 1.5 घंटा। हाँ, वो बीच में लाइट की वजह से हम लोग ने 1.5 घंटा लूज़ कर दिया। फिर उसके बाद जैसे तैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे। नासिक क्रॉस करने के बाद जो ये औरंगाबाद नासिक हाईवे है, ये हाईवे जैसे हम लोग ने टच किया ठंड और थोड़ा बढ़ गया और अभी वो बैंडना जो सर पे पहनते हैं ना वो अभी गले पे उतारने का वक्त आ गया है। ऑन अराउंड बहुत सही राइड जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यानी बहुत लेट हम लोग ने, पहले तो बहुत लेट चालू किया यार। हमारा प्लान 4-5 बजे का था। दूसरा इसके वजह से ना मैं इनर अब ठंड लग रही है। मैंने बोला था ठंडी नहीं होगा, गर्म हो रहा है इधर मुंबई। बोला था नहीं, तू लेने नहीं दिया। वो भी है। चलो मजा तो आ रहा है। ये ठंडी बहुत बहुत स्वीट लग रहा है, मजा आ रहा है चलाने को, राइड करने को और फीलिंग आ रहा है। এটাও এমনি করে লুজ হয়ে গেছে, এটা নাট বল টাইট করতে হবে। দে দে ওগুলো বন্ধ কর। হ্যাঁ, গাড়িটা এখানে লাগাতে পারতি। ওই দিকেটা রক সলিড না একদম। হর হর মহাদেব। মাল খালি হয়ে গেছে দেখলাম। লাইটটা না একটা এই দিকে যাচ্ছে একটা ওই দিকে যাচ্ছে। हम लोग अभी और 45 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का रास्ता बाकी है। मेरा अभी तक रिजर्व हिट नहीं किया, 300 किलोमीटर हो गया ट्रिप का, लेकिन दादा का रिजर्व हिट हो गया, सो वी डिसाइडेड कि यहीं पे टॉप अप हो जाएगा। अभी स्टोरी ये है कि बज रहे हैं सुबह के 6:30। हम लोग इधर पहुंच गए थे होटल में 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे हम लोग अपने होटल में पहुंच गए थे, लेकिन होटल के रूम्स हमको बिल्कुल पसंद नहीं आए। मतलब एक होटल का रूम थोड़ा बहुत तो साफ़ होता है, यहाँ तो थोड़ा भी साफ़ सफाई नहीं है। तो मैंने और दादा ने डिसाइड किया कि यहाँ से बुकिंग कैंसिल करेंगे और दूसरी जगह एक देखा हम लोग ने, तो वहीं पे जा रहे हैं।